नहीं, तुझे काट दूंगा मैं, दो टुकड़े करूंगा तेरे। जोर से बोल, मुझे सुनने नहीं आ रहा। आप क्या बोल रहे बाबा? बोल दिया रे। ये बच्ची के बहनों को कौन मारा? मैं मारा रे। दोनों बहनों को मारा? मैं मारा रे भाई। कैसा मारा दोनों बहनों को? गला गला के मारा रे बाबा। क्या करके मारा? गला गला के। बच्ची के बाप को कौन मारा? वो मैं मारा रे। बाप ही जाता रे, बाप कर दे रे। उसके बाप को क्यों मारा? बजे से नहीं बोलूंगा जब तक तेरे पे कोई रहम नहीं किया देगा। नाला नामहून बदकार, छोड़ेंगे नहीं तुझे। अब से नहीं करते रे, इतने बड़े बड़े गलतियां माफ कर दे। अब नहीं मालूम रे मेरे, उसके आगे मेरे को माफ कर दे रे बाबा। तुझे कैसा माफ करेंगे तुझे? तू लोगों के जिंदगियां ले रहा। उसके दो बहनों को मार दिया तूने, उसके बाप को मारा तूने, अब उसको मारने वाला है। उसकी शादी आने वाले बच्चों के घर में, वो बच्ची के वो सब बाप का राज चल रहा तेरे मनमाने। ये और क्या तकलीफ दे रहा था? पहला चरण का तुझे कोई माफ नहीं करेगा जब तक तू मुझे नाम आने बताएगा और सारी तफसील नहीं बताएगा। छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं तुझे, मार मार के छिन जा करके तेरे टुकड़े कर दूंगा। चल बता कहाँ से पकड़े थे तुझे? शमशान से, कब्रिस्तान से? कहाँ से लिए थे तुझे पकड़ के? नहीं 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 छोड़ेंगे तुझे। जकड़ लो उसके हाथों को तेजी के साथ में और आग लगाओ। बाहर से जंजीरा वालों को बुलाओ, उसके हाथों में आग लगा काट के ले लेंगे। बोल, काट लूं दोनों हाथा? हाँ, फिर जल्दी बता। हाँ, इसके घर से अब और किसको मारने वाला था? लेकिन बचा ले रे। किधर किधर घूम घूम के बचा ले रे उसको। देखा ना मेरी फौजी तो वहाँ कब मार रही मेरी फौज तुझे? उतारे में आके मार रही चिराग के अंदर। कब मारती? बहुत मार रहे होंगे तेरे, बहुत मार रहे होंगे बन के। कैसा माफ करेंगे? तू लोगों के जाना लिया, उसके दो बहनों को मार दिया गला गला के, फिर उसके बाप को मारा, फिर और किस किस को मारने वाला तू उसके घर से? अब किसको मेरे मार दे रे बाबा? माफ भी जा दे रे। कौन बोल रहा था तुझे मार दे बोल के उसको? कौन बाबा? नहीं मैं छोड़ता नहीं मेरी फौज, तुझे बहुत मारेंगे और मार मार के चिंदा कर देंगे वो। बताओ कब आके मारते तुझे? चिरागों में आके मारते क्या उतारे में? उतारे में मार दे सारे में, पर तू झटका झटका दे दे के गया रे बाबा। मैं उसको मार भी जाता रे, माफ कर दे। तू तो इसकी जान लेके भागने वाला था, मेरी फौज ने आके रुका दी ना अल्लाह के हुक्म से। अब कैसा मार रहे थे कुछ चिराग में भी उतारे में भी पकड़ के? तेरी सारी शक्ति खत्म कर देंगे तेरी, देखा ना कैसी ताकत कम कर रही तेरी। तो बहुत तकलीफ है रे बाबा, छोड़ देना तेरे बाबा। चल मेरे को बात बता, बच्चों को और उसके माँ बाप को बहनों को किस चीज में मिला के खिलाए थे? बोल। नहीं बोलूंगा तू तो अभी जलाल देखेगा, मैं पूरा जला के राख कर दूंगा तेरे। क्या बाप का राज चल रहा वैसा? जो करा है उसके बाप का राज चल रहा रे बाबा। मेरे को कहीं को घसीट रहे रे, बीच में मेरे को छोड़ दो ना रे। नहीं छोड़ेंगे तुझे। तू नाम बता मुझे वो सब लोगों के, तू नाम क्यों नहीं बता रहा? उनका दामाद है क्या तू? नाला कमीने, हाँ बता जल्दी नाम। चलाओ उसको और तकलीफ दो उसको, तेजी से आग लगाओ उसके अंदर। ना करे बाबा,
चल बता मेरे को उनका नाम बता, कौन लोग थे, जान कैसे लिए उन्होंने, तीन तीन लोगों की जिंदा क्या कैसे ले लिया उन्होंने। हाँ, और तू आके बड़े जाना लेके जा रहा आके लोगों को मार के। हाँ बता कौन थे वो, बच्ची की माँ के तरफ के रिश्तेदार थे क्या, बाप के तरफ के रिश्तेदार थे? माँ की तरफ के रे, उसके बाप की तरफ के, क्या कर लेंगे जान दे रे। नहीं बोलना पड़ता, कौन है वो? दोनों की तरफ के रे, छोड़ दे रे भाई। दोनों की तरफ के थे तेरे बाबा भाई, क्या करा इनके बीच में? हाँ तू जाना ले रहा जादूगरों का, लोगों का सुन के आगे वारे, तेरी कमाल दिख रही कमबख्त, और लगो तेज से आग। चल बता जल्दी बता मुझे नाम। नहीं मालूम रे बाबा, तू बोल जल्दी बता। नहीं मालूम रे बाबा, नाम नहीं मालूम रे। झगड़ो उसको और देर से मार दे रहो। क्या मारा था लेकिन पीछे से ये लोगों की शक्ल नहीं आना मैं वो। बता जल्दी नाम, ने तो उसके अंदर आग लगा उसके और तेज से। हाँ बता जल्दी बता। छोड़ दे तू, नहीं देखो कौन से गाँव के थे लोग जादू करा। अच्छा जादू करा इसको क्या क्या लिख गए थे बच्चियों का, क्या लिए थे कपड़ा मट्टी चप्पल क्या चीज लिख गए थे? झगड़ो उसको तेज से, छोड़ दे तू, नहीं देखो पूरा मार मार के खत्म करवा दी। बात मैं इज्जत से पूछ रहा हूँ, जल्दी बता दे तो आग भड़काऊंगा तेरे अंदर, तो छोड़ूंगा नहीं फिर तुझे। जलाओ उसके अंदर से भी आग लगाओ तेज साथ में। चलाओ उसके अंदर तेज से आग लगाओ उसके नाला से। सुने नहीं आ रहा मुझे, सुने नहीं आ रहा मुझे, दोबारा कहना बुला दे रे मैं तुम्हारे को। मार मार के बहुत कूदूंगा और तेज से मारो इसको, मेरा नाला इसको मार मार के सारी शक्तियां खत्म करो इसकी, जला जला के राख करो इसको टुकड़े टुकड़े करके। चल बता जल्दी कौन थे वो, इसकी माँ के तरफ के थे, इसके बाप के तरफ के लोग थे वो जिसने जादू करके मारे? दुश्मनी क्या थी फिर दोनों तरफ के लोगों ने करने की? जमीन जायदाद की थी, खजाने की थी, घर की थी, कई की थी, क्या दुश्मनी थी ऐसी? उनका क्या आगा क्या, तुम भेज दिए तो जानो को जाना ले बोले तो ले लेना। हाँ पूरा बता तो तुझ पे रहम किया जाएगा, नहीं तो नामा खोल तुझे कैद करा के मार दूंगा पूरा। जल्दी बता कौन करे, तू बोलेगा तो हम किसको पूछेंगे फिर? हाँ बोल जल्दी कौन है वो। नहीं नहीं छोड़ दे, रखो उसको और तेज चपड़ो उसके अंदर से आग लगाओ उसके, और आग लगा दो तेरे अंदर पड़ेगी, लगाऊं तेजी से पड़ी से और आग तेरे अंदर कमबख्त। इसके अंदर आग लगाने वालों को तेजी के साथ में चलाओ उसको, उसको मार मार उसके अंदर आग लगाओ तेजी के साथ में। الناس صنوخ القضاء
واغفر على ما يبلون بها في عمد اليمين وضعني والمصرين والمهد والمقليل إنا لدينا أمثال وضعنا عليم يوم طارد كل جبال والبنانيل إنا أرسلنا إليكم رسول شهيدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون الرسول فأذكرنا الرسول كان وقت مفلين ومشى اتخذ الله سبيلا إنا ربك يعلم أنك تقوم الدم سجد وصدوص وطائفة من الذين معك فوالله يحمار والنحى والله يحمار والنحى ربك تقصف والتبليم فاقرم مريض أقم الصلاة وأقم الزكاة وأقم الله وما تقدم لكم من قرض الدح عند الله خير واعظم اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم आग लगाओ उसके अंदर और तेजी से और जलाओ उसको तेजी के साथ में जब तक उन्हें मुझे सारे खुलासे नहीं करेंगे जब तक उसको जलाते रहो और मारते रहो तेजी के साथ में चल बहुत जल्दी बोल टाइम नहीं मेरे पास हाँ बता जलाओ कुत्ते जिसे आग लगाओ उसके अंदर से बता याद नाम बता जल्दी कौन है वो कई की दुश्मनी थी क्या ही रजौरा था जमीन में गाड़ी वाले निकाले होना तो तुम दुश्मन कहाँ का खजाना मिला था फिर क्या दुश्मनी थी जल्दी बोल नाम बता तुझे छोड़ देंगे नाम बता जल्दी बता जल्दी कौन है वो कौन है वो कौन है उसके माँ के कौन है बाप के कौन है रिश्तेदार कौन है वो जल्दी बता मैं पूरा जला दूंगा मैं कौन है वो कौन है वो उसके मामी आए उसके मामी आए नामा नामा वैसा नहीं मालूम आपको नाम बता जल्दी मैं पूरा जला दूंगा नाम बोल जल्दी उसके मामी आए तीनों की मामी आए क्या नाम है उनके नामा मैं मालूम अरे सीधा बोल जल्दी कम बात कौन है वो नाम बोल जोर से बोल और उसके भाया भी है नामा नामा अकबर और अकबर और और उसका बदल और उसके के बूढ़े और उसके बहन के ससुराल के और उसके बहन के ससुराल के नामा नाम कौन है नाम जल्दी मैं बोल रहा हूँ नाम बता जल्दी 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 मैं बोल रहा हूँ तो भी जल्दी बोल कम बजट करने में
पूरा जला दूंगा। नाम बोल। हाँ कौन है, कौन है वो, और कौन है, क्या दुश्मनी थी ये? उसके बाद को शादी नहीं करता बोल के था, उसके बाद ने शादी करी। किसकी बहन, किसकी बहन? ओ बाला सीवा सीवा, जो दो बच्चों की अम्मा थी उसको भी लेके चले गया था मैं, उसके लिए माफी चाहता रे। उसको मार दिया तूने सीमा, दो बच्चों की अम्मा को, और उसको शादी लगो करो बोले तो कर रहा था, उन्हें भी उन्हें भी कर रही थी, इसके लिए उसके ससुराल वाले ने कर दिया। अब तो जोर से दूसरी बहन को क्यों मारा, बड़ी को, सबसे बड़ी को क्यों मारा? उसकी भी वैसे सारे शादी नहीं होना था इन लोगों की, किसकी भी बोल के कराए थे उन लोगों ने, लेकिन उन लोगों ने शादी कर दी है उसकी। उसको भी नहीं मालूम था, वो भी चले गई रे बेचारी, छोड़ देना रे अम्मे को। अम्मा से मारा, पुन्ना से मारा तूने? कैसा मारा, कैसा मारा? बीमारी डाल के एक्सीडेंट करा के, सब सुसाइड करा के कैसा मारा? बीमारी चूस के मारा रे, हड्डियों के ढांचे बना के मारा मैंने उन लोगों को। उनका खून कहाँ से पीता था, गर्दन में से, कहाँ से? सर में से पीता था, गर्दन में से पीता था, सामने से पीता था, कहाँ से पीता था? गर्दन में से पीता था। बेचारों को मार दिया, हमें माफ कर दे रे, बहुत गलत जगह ला लिए रे लगो ना मेरे को, बहुत गलत जगह ला के बिठा दिए रे। आप सुबह से हमारा बच्ची की जरा पीता दरा रहा हूँ ना, मैं क्या करूँ, कहीं को भी आता है जरा। उसकी चाची ने शराब के अंदर डाल के पिलाई के पिलाई दी ना उसको। किसने पिलाई थी? शराब में पिलाई थी, शराब में दवा मिला के पिलाए थे। कौन पिलाए थे वो? उसकी चाची पिलाई। नाम नाम? मैरून पिलाई थी, मैरून। और कहीं को मिलाई थी, क्या दुश्मनी से? अच्छे रहने ना भैया, बीवी झगड़े करना, बता जल्दी सब बातें। ऐसे फिर क्या करी थी उसकी चाची ने? बच्चे अच्छे कमा के बैंक को पूरा करता बोलती, लोग हमारे सामने भीख मांगना बोलती आके। तू ऐसा कर करके मार दे रहा था सबको, मार दे रहा था बोल गया। अरे मिली तीन के चार वो जमीन का जगह तुमने दे, क्या चल रहा हो मसला? क्यों नहीं देती बोल रही? बाप की नहीं होती बोल रही थी, तुम्हें कब्जा करके खाने को सोच रही, स्वाद जादू टोने करी। और क्या पूछाने का है? और पहले कौन दिया तुमने मिया तो रिटर्न घर में? और किस किस को करे सोए, किसका हाथ है वो? नाना का पैर है हमारा, सड़ जा रहा पूरा। ये नाना का पैर क्यों सड़ रहा है ऐसा? क्या नाम है उनका? अहमद खान। ये अहमद खान का पैर ऐसा क्यों सड़ गया? जल्दी बता दे, दोनों हाथ काट में लगा दूंगा मैं। कौन दी दवा उसको? उसके बाबा ने खिलाए 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 उसको। किस वजह से मारना चाह रहे उसको? क्यों मार रहे हैं खान को? नवाजों को नवाजियों को पूछता बोलते बुढ़ा ऐसा बोलते। अम्मा को ना लाया तो उसको क्या करके मार रहे? तो पैर सड़ा के मार दे ना। पूरा कुछ नहीं जा रहा उसका भी, मैं नहीं कर रहा, लेकिन मैं नहीं कर रहा। तेरे साथ यहाँ कर रहे हो? उधर कौन करे जादू? वो बाबा करे। नाम नाम? चोरे तीनों बाबा है।
नाम अरे जल्दी बता नाम आपको जल्दी नाम बोलने का काट दूंगा। अरे नानी को क्या कर रहे हो उसके क्या के बच्ची को कुछ नहीं आती उसको जाती। अच्छा बोल रही थी वो मेरी बच्ची को आ रही उसको कह दो उसको देना बोल रही थी आप तो माफ कर देना मेरे को इतने बालों पूछ लिया तो भी माफ कर देना। मामी का नाम नहीं बोले तीसरे मामी का नाम नहीं बोले तीसरे का नाम बता कौन है वो अभी अभी गई थी। मैं जोर से बोल रहा हूँ मैं काट दूंगा वो अभी अभी घुसी थी ना नाम क्या है उसकी अम्मी है क्या किसकी अम्मा है वो उसके बच्चों के नाम बोल उसके मायके को गई थी जब से घुसी ना वो नहीं करती थी ना बिचारी उसको भी करने को डाल दिए रे अब तो जोर दे रहा है उसके दिल में मोहब्बत थी पूरा को तोड़ दिए रे घर वाले की मोहब्बत नफरत कर मार रहे उसको उसके बाद उस पाई के बारे अच्छी नहीं है रे अब तो जोर दे रहा है शबाना बोल रहे मम्मी है वो इनके मम्मी है क्या शबाना कौन है रे वो घर की बड़ी बहू है ना रे उसके बोलो तो भैया तो माफ कर दे रे सुने यार हम जाए अब तो माफ कर दे रे बहुत सही इतने वादा पूछ लिया माफ कर दे रे तुझे कौन से पूछ के लाए थे तेरी उम्र कितनी है खून पीने वाले पिशाच तेरी उम्र कितनी है कितनी है फिर भी झूठ बोल रहा झूठ बोल रहा तू मरे वाला इंसान है जिन्नात की नस्ल से कौन है मिनहा खलक नकुम फीहा नूई दुकुम मिनहा नुखद जुकुम तरतन उखरा कौन है तू इंसान की नस्ल से है कि जिन्नात की है ये बच्ची के घर में लाके डाल के कितने साल हो गए तुझे कितने साल से है 15 साल हो गए बोल 12-15 साल हो रहे होंगे लेकिन याद नहीं है मेरे को। अच्छा बच्ची की बात किसको मारने वाला था उसके भाई को मारना था कौन से भाई को अमेश को क्या नाम अमेश को कैसा मारने वाला था उसको अवेश के बाद किसको मारना था फिर उसके बाद कोई भी नहीं दे रहे दोनों बाप बेटा ही बचता जा रहे घूट घूट के लगा पड़ जाते थे बाहर शैतान कुमार बोलो से हम आपका रात चल रहा कुमार है मनमानिया आपसे नहीं करता रे बाप करते रे बाबा आप तो माफ कर दे रे बाबा माफ कर दे रे अब तो माफ कर दे रे बहुत दर्द हो रहा है मेरे पेट पे भी बहुत चल रहा है बाबा छोड़ दे क्या भरोसा अभी तक कितने इंसानों को मारा दुनिया में जबरदस्ती के खींच के लाके ताले रे मेरे को मैं तो मैं अपने जगह खुश रहता था रे बाबा जादूगर कौन था वो हिंदू था मुसलमान था हिंदू का कितने पैसे दिए थे उसको उड़ा दो नाता ऊपर मुंह में मार के तोबा तोबा कर डंडा भी दे दी जोर से आवाज बुलंद सुने नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल सुने नहीं आ रहा एक मार के तोबा कर लंबी चीख तेरी कितनी ताकत होती लगा अल्लाह वालों से पका लेने का नतीजा अब तेरे
सारी ताकतें खत्म कर देते तुम्हारी, नाला मार के तुम्हारे जमीन में गाड़ देते। मानिया करेंगे तो करेंगा दोबारा किसको परेशान? किस चीज में खिलाए थे उसके भाइयों को, बच्ची को, सब लोगों को? किस चीज में मिला के? क्या था वो? जोर से जोर से चीख मार के कर। सुने जा रहा मुझे बच्ची के माँ के उंगलियों को क्या कर दिए थे वो? क्यों सड़ा रहे थे उसकी माँ की उंगलियाँ? माँ को कौन कर जादू हुआ हाथा काटने को? कौन कर देगा? अभी तो बोला ना रे बाबा, मुझ करे सो। चल तीनों एक साथ कर सकते ना जाके? तीनों एक साथ जाते हैं, अलग अलग जाते हैं? दो एक साथ जाते रे, एक नहीं जाती रे बेचारी, जबरदस्ती लेके जाते रे उसको। दो कौन जाते एक साथ? सकी अलग जाती रे, पिंकी पिंकी को प्राथी को जाके कराती रे उसकी बहन के घर को। नामा खून को बदन के दावो, मार के सारी शक्ति खत्म कराओ। तो कर दो जल्दी अंडा के, तो कर नहीं आ रहा मुझे। चीख मार जाओ, इसको पकड़ के जाओ, इसको बाहर जला जला के राख करो। चल निकल, तुम बाहर खत्म करो इसकी पूरी शक्तियाँ। जितने जाके ना करा रहे उनकी भी शक्ति खत्म करा दो, सबकी शक्तियाँ खत्म करो। नाला को तेज एक साथ में लपट के लिए कैद कर दो उनके सारे ताकतों को, कैद करके मेरे पास मिला के उसमें डाल दो तहखानों में। नाला को समंदर के अंदर ले जाके, समंदर के अंदर कैद खानों में डाल दो इनके सारे शक्तियों को, कैद करके ले जाके। तीनों भी जीत करने जाके करा रहे। और इसको भी मार मार के सबको खत्म कराओ। किसी के साथ में रहम का सलूक मत करो। नालायक इनके साथ रहम नहीं कर रहे, मनमाना कर रहे। शैतानों को मारो उनको। ला यरहमुल्लाहु मन ला यरहमुन्नास, अल्लाह उस शख्स पर रहम नहीं करता जो लोगों पर रहम ना करे। मार दो इसको भी नालायक को। पानी पिलाओ, कैमरे तो खिला रहे। बाहर उनको ले जाओ, उल्टे आऊंगे उनको बाहर थोड़ी देर से। पानी पिलाते रहो उनको। ये जो मसले मसाइला ये निकलता चल रही है, सब गलत बातें हैं। एक दूसरे पे जादू को लेकर ना, कौन किस पे कर रहा, क्या कर रहा, मेरे को क्या पता। मगर जो भी नामा निकल रहे शैतान उनके जबानी बयान कर रहे। पेशेंट को तो कुछ याद नहीं रहता क्या हुआ क्या नहीं, क्या सवाल जवाब हुए हैं, क्या शैतानी सब बातें करके जाती। मगर एक बात हमेशा की याद रखना कि कोई नहीं देख रहा, ऐसा नहीं है कोई हिसाब नहीं लेने वाला, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे खानों पे तो फरिश्ते अल्लाह ने मुकर्रर कर दिया, लेकिन रामीन काती भी सारी तुम्हारी दास्तान लिखते रहते। एक अच्छा ही लिखता, एक बुरा ही लिखता, जो भी अल्फाज तुम्हारे मुंह से निकलते हैं, जो भी तुम हरकत करते, जब अल्लाह के सामने सबसे पहले तुम्हारी जबान पे ताला पड़ जाएगा। तुम्हारी जबान बीच में आके चापलूसियां करेंगी, तुम्हारे बचाने की कोशिश करेंगी, झूठ बोलेंगी, इसलिए जबान पे पहले ताला पड़ेगा। और उसके बाद में सारी दास्तान तुम्हारा शरीर बयान करेगा, तुम्हारे हाथ कहाँ गए थे, किसके वास्ते उठे, क्या काम के वास्ते उठे, क्या काम के वास्ते हाथ दिया था अल्लाह ने तुम्हारे को, इबादत करने को, नेक काम करने को। दुनिया में क्या बोलते, तो कुरान हाथ से उठा के कुरान पढ़ने के लिए दिया था, तस्बीह हाथ से उठा के तस्बीह पढ़ने के लिए दिया था, जादू टोने की चीजें उठा के शिर्क करने के लिए नहीं देता। शिर्क के शिर्क मायने अल्लाह के साथ किसी को इबादत में शरीक करना, उसको कहते कि शिर्क। और कतई याद रखना कि अल्लाह सारे गुना माफ करेगा, मगर सिर्फ गुना कभी माफ नहीं करेगा। आजकल मैं देख रहा हूँ दास्तान कैसे चल रहे, पत्थरों के सामने बुत परस्ती की कोई औकात नहीं है, कोई शैतान की, कोई जिन्नात की, कोई बुत परस्ती की औकात नहीं है। क्योंकि बुत परस्ती जो करते परस्तिश करने वाले जो है, बुत परस्ती और एक्स वाई जेड जो भी हरकतें कर रहे तुम, और मैंने बहुत सारे कलमा पढ़े कि यानी कि उनका कलमा दिल से नहीं निकला, उनका कलमा यहाँ से हल्लक तक झटके आला, जबान से लेकर हल्लक तक, क्योंकि उन्हें बुत परस्ती वालों के साथ जा रहे और बुत परस्ती कर रहे, वहां माता टेक रहे, वहां हाथ जोड़ रहे, उसको कहते शिर्क। अल्लाह वालों के पास जाना और बुजुर्गाने दीन के पास जाना शिर्क नहीं है, दरगाहों पे जाना शिर्क नहीं है,
शिर्क है बुत परस्ती की, भूतों के सामने खड़े रह के हाथा जोड़ना, वहां खड़े रह के भूतों की पूजा करना, उसको कहते शिर्क। अल्लाह के साथ में किसी को शरीक करना, अल्लाह माबूद है और बेशक हकीकतन मालूम उसकी इबादत कर सकते, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, मैं गवाही देता हूँ अल्लाह एक है और उसका रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तुम अगर ये क्या बोलते थे गवाही देने के बाद में तुम जाके भी बुत परस्ती करेंगे तो तुम्हारी गवाही सिर्फ हल्लक तक रह जाएंगी, दिल से नहीं निकलेंगी, और दिल से नहीं निकलेंगी तो तुमको यकीनन यकीनन खबर के अंदर भी भरना पड़ेगा, दुनिया के अंदर भी भरना पड़ेगा और आखिरत में भी भरना पड़ेगा। मुसलमान वो थे कि सर कटा दिए हमने सजदों में कटा दिए, मगर अल्लाह के अलावा किसी के सामने भी नहीं झुका है और अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकने भी नहीं देखो सर। तो ये है हमारे सरों के रुतबे, हमारे बुजुर्गों ने दिनों के सरों के रुतबे इतने बुलंद रखा था अल्लाह ने कि देखो तारीखें पढ़ो तुमको पता चलेगा। तुम क्या समझ रहे कि फला फला ताकतवर है दुनिया में उसकी ताकत बरकरार रहेंगी? अरे बेवकूफो ना अकल अकल से पैदल लोगो, तुमको ये नहीं पता कि एक रात में से पलक मारने से पहले अल्लाह सारा निजाम और सारा सिस्टम चेंज करा देता है एक रात में से। खुदा की खुदरत करो, कोई मजाक नहीं कर रहा, सूरह कैफ पढ़ो और असाब कैफ का वाकया पढ़ो, उसके अंदर शमून के दरबार में जो काम करते थे तो शमून खुद ही दावा करता था, वो भी मलून बख्त जैसा खुद ही दावा फिरौन करता था, शमून भी करता था। असहाब कैफ का वाकया अल्लाह ने सूरह कैफ में बयान कर दिया। तुम क्या समझ रहे अल्लाह पलक मारने से पहले सारे सिस्टम को चेंज करा देगा? इतनी ताकत है अल्लाह के खाली, अल्लाह ने खाली हुक्म दे दिया हुक्म। अल्लाह ना जमीन पे आता नहीं और अल्लाह जमीन पे आके नहीं करता, उसकी शान के खिलाफ है। उसका नूर देखने से पहले ही तुम सूरज की तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते, ए जमीन और आसमान के लोगों और जमीन और आसमान के गैलेक्सियों, तुम सूरज की रोशनी को और तपिश को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अल्लाह के नूर को क्या बर्दाश्त करोगे सूरज को बनाने वाले। ये सब बातों को जहन में रखो और शिर्क से बाज आओ, तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफेल में। वहां तुम जाके उनका दामन पकड़ के रोएंगे तो उनके दामन को पकड़ने से पहले ही तुम्हारे को सब गुनाह तुम्हारे माफ कर दिए जाएंगे, मगर शिर्क कभी माफ नहीं किया जाएगा। ये जो शिर्क कर रहे, जो सब दास्तान आ रहे ना सामने, शिर्क जिसको बोलते हैं, शिर्क अल्लाह के साथ शरीक करने को बोलते हैं इबादत। तुम हाथा जोड़ रहे जाके बुत परस्ते उनके सामने वहां माथा टेक रहे, ये गलत बात है। बुजुर्गान दीन अल्लाह वाले के पास वली अल्लाह के पास जाना ये शिर्क नहीं है। अल्लाह वालों के पास एक लम्हा बैठना तुम्हारी 60 साल की इबादत का सवाब मिलता, जादूगर के पास एक लम्हा बैठना 60 साल की इबादत रद्द कर दी जाती। तो ये सब बातें जरा जहन नशीन कर लो। अल्लाह का वली के पास जाना शिर्क नहीं, अगर अल्लाह के वलियों के पास जाना शिर्क रहता था तो अल्लाह कुरान में नहीं फरमाता था ना अला इन्ना औलिया ला खौफुन अलैहिम वहुम यहज़नून, बल्कि अल्लाह ने फरमा दिया कुरान में हकीकतन मायनों में तो अल्लाह की इबादत करता हूँ अल्लाह का वली, हकीकतन मायनों में तो अल्लाह से डरता हूँ अल्लाह का वली। बताओ फिर अल्लाह के वलियों के पास जाने को कहां से शिर्क का फतवा दे रहे? शिर्क का फतवा है काफिर के पास जाना। शिर्क है जो लोग आ रहे इलाज नहीं हो रहा बल्कि चर्चों में जा रहे, उसको शिर्क बोलते हैं। मेरे पास रिकॉर्डिंग हुई देखो जरा, जो कि फला फला बौड़ियों पे जाके पूजा कर रहे पत्थरों की, वो पत्थरों के सामने क्या क्या रख के आ रहे, बोल रहे भी वहां जाने से ऐसा होता, वहां ऐसा है, अरे मैं जबान पे लाना भी नहीं चाहता वो सब बातें। ये सब बातों से बाज आओ, बाज आएंगे तो बच जाएंगे। दुनिया तुम्हारे बाप की नहीं है, दुनिया अल्लाह की है। और असहाबे कैफ का वाकया पढ़ो कुरान के अंदर, अल्लाह कैसा बताता है और असहाबे कैफ का कैसी दास्तान है। असहाबे कैफ शमून जो राजा था क्या कहता था, खुद ही दावा करता था उसके जो हमनशीन उसके जो साथियां थे उसके जो बचपन से उसके साथ रहे पर्सनल बॉडी गार्ड उसके, तो रोज शाम में सब वो खेलते थे, उनका जो भी खेलता उस दौर का मैदान में, खेलने के बाद थक जाते थे फिर शाम में इधर अंदर आ जाते, तो शमून उनके बगैर एक पल भी नहीं रह सकता था। और एक दिन शमून का दरबार भरा हुआ था और बादशाह वहां से बैठे आला तो उन्हें क्या देख उसके सामने सब बिल्ली गिरती तो बिल्ली को देख के बिचक जाता, बिचकते लोग दरबार में सब उसको देखते तो जिनके दिल सिया हो गए उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिनको अल्लाह हिदायत देने वाला है उनको ऐसा देता हिदायत। इससे उनके उसके जो साथ के पर्सनल बॉडी गार्ड थे उन्होंने देखे और देखकर बोले ये तो बिल्ली से डर गया, ये तो बिल्ली से डर गया, फिर ये कहेगा खुदा होता, ये खुदा नहीं है, असल खुदा कोई और है, अब हम असल खुदा की राह में जाएंगे, हम असल खुदा को ढूंढेंगे, असल खुदा को ढूंढने निकलेंगे तो कैसा जाएंगे, शमून की सेना तो मार देंगे हमको पकड़ के। शमून इतना बड़ा बादशाह, पूरी जमीन पर उसकी हुकूमत है, कहां तक भी नजर देंगे वहां तक, और उसकी सेना हमको जीने नहीं देंगी, पकड़ के मार देंगे, कत्ल कर देंगे, फिर कैसा जाना था। गेम ऐसा करेंगे बोले इसको थका थका देंगे खेलने में, क्योंकि इन्हें अपने को देखे बगैर एक मिनट भी नहीं रहता, और अपन अगर भाग जाएंगे इसको छोड़कर तो इन्हें बोलेंगे ना कहाँ गए, दो मिनट के बाद बोलेंगे आवाज देंगे और अपन नहीं रहेंगे तो बोलेगा नो गए कहाँ ढूंढो, फिर बाहर भागते हुए पकड़े जाएंगे अपन। तो एक काम करेंगे इसको थका देंगे शाम के टाइम में, फिर इन्हें थक के बोलेगा मैं तो नहीं खेल रहा, मैं बहुत थक गया, मैं जा रहा हूँ सोने को, अपन नहीं थकेंगे, अपन ऐसा दिखेंगे कि हम अभी नहीं थके, हम अभी नहीं हारे, अभी हम खेल रहे हो, जा सो जाओ, उन्हें सोगा कि सुबह उठेंगे तब तक हम भाग देंगे। फिर इन्हें उसको असच कराते और सेम प्रोसीजर, उसके बाद में भाग जाते, उन्हें जाता थक गया बोल के मैं जा रहा सोने तुम खेलते रहो बोलता,
और जब इन खेलने में लगते हैं सो जाता, इन्हों भागते 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 बेघर को शर्म करो, तुम जन्नत में जाएंगे क्या नहीं जाएंगे, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है जन्नत में जाने का, मगर कुत्ते के पास में सर्टिफिकेट है जन्नत जाने का। असहाबे कैफ के साथ में जो कुत्ता है उसको भी जन्नत में डालेंगे अल्लाह ने बोल दिया। जब भाग रहे थे उन्होंने तो बकरी चराने वाले के पास से गुजरते, तो बकरी चराने वाला बोलता है सब लोगों तुम कहां भाग रहे हो, तो बोले हम शमून राजा जो है जो बादशाह है वो खुदा नहीं है, उन्होंने खुदा ही दावा करता खुदा कोई और है असल, पर हम उसको ढूंढने जा रहे और उसकी इबादत के लिए। तो उन्हें बोलता क्या चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता, उन्हें बकरियां छोड़ के चलता, उसका कुत्ता भी उसके साथ भागता, तो उन्हें कुत्ते को मार के लंगड़ा भी कर देता तो कुत्ता फिर भी उसके साथ भागता, इसलिए लंगड़ा करते कुत्ते को मार कर कि ताकि कोई भोगेगा तो फौज सुनते हुए आ जाएंगे पकड़ लेगी सबको उसकी आवाज से, तो लंगड़ा भी कर दी तो नहीं जाता कुत्ता, और कुत्ता उनके साथ में ही रहता। तो अल्लाह ने फरमा दिया साहब कैफ के वाक्य में सूरह कैफ में पढ़ो, अल्लाह फरमाता कुत्ता भी जन्नत में जाएगा और साहब कैफ भी जन्नत में जाएंगे। जितते भागते भागते कारवां बन गए, गुफा के अंदर गए, छुप गए, रात में सो गए, सुबह में उठे, सुबह में उठ के सब लोगों ने राय करे कि नाश्ते के लिए क्या करना, तो दूर एक गांव दिख रहा था शहर, तो उस शख्स ने कहा कि शहर दिख रहा सब में से एक जिम्मेदार को भेजे जा वहां से कुछ नाश्ते के लिए नान वान जो भी बन रहे लेकर आ, उन्हें गा सबके लिए नाश्ते के लिए लाने को, और वहां पर उसके टेबल पे पैसे रखा खड़ 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 सिक्के रखते, जो जो नान बनाने वाला था उन्हें बोल रहा मियां ये सिक्के तुझे मिले कहां, ये कहां का खजाना निकाला तूने, तो उन्हें बोलता कि कहाँ का खजाना निकाला, क्या खजाना क्या बोल रहे तुम, पैसे दे रहा हूँ पैसे लो कहने का, तो उन्हें बोलता नहीं ये शमून के दौर के सिक्के हैं, ये राजा शमून, तो उन्होंने तो अभी भाग के है ना शमून के दौर से, तो उन्हें बोलते क्या बात कर रहे तुम, ये तो सिक्के अभी चल रहे वो दे रहे हम, नहीं बोले मियां ये सिक्के 300 साल पुराने, 300 साल अल्लाह ने सुला दिया था उनको, 300 साल, और 300 साल के बाद महफूज उठाया उनको, जैसा कि वसा उन्होंने ये नियत करके भागे थे कि कोई अल्लाह के राह में नेक जो अल्लाह वाला बादशाह होगा उसकी रियासत में जाके वहां अल्लाह को एक अल्लाह महबूब जो है अशहद अशहद मोहम्मद रसूलुल्लाह जाकर उनकी इसमें राह में वो इबादत करेंगे असर अल्लाह राह खुदा के। 300 साल तक सुलाया अल्लाह ने, 300 साल के बाद जब उठाया, उठाने के बाद पूरा वाकया पढ़ो, फिर वहां गए राजा के दरबार में बात पहुंच जाती है, बहस बढ़ते बढ़ते सिपाही सुन लेते, वहां नहीं जाते, वहां नहीं जाकर पेश करते कि क्या खजाने का मसला चल रहा है, दुकानदार हिस्सा मंग रहा है, आदमी हिस्सा नहीं दे रहा, बादशाह सलामत तो अल्लाह को मानने वाले थे, उन्होंने देखे और देखने के बाद बोले क्या नेक मकबूल बादशाह था, उसने बोला कि क्या बात है कौन शमून क्या मसला चल रहा, वो आदमी बोलता कि हम तो रात में सोए शमून से बच गया सुबह में उठ के नहीं आ रहा, तो उन्हें पूरे तारियादानों को बादशाह बुलाता, बुला के पूछता क्या वाकया है, तारीखदान बोलते यकीनन बादशाह सलामत उस दौर में कुछ लोग भागे थे राय फी सबीला असल खुदा को ढूंढने के लिए अल्लाह के राह में, मगर असल वो लोगों का पता ही नहीं चला आज तक और 300 साल हो गए, वो लोग बोलते भाई हम रात में तो भागे और सुबह में उठ के आए, और तारीखदान बता रहे 300 साल से, फिर बादशाह सब वाकया समझ जाते, सब लोग बोलते चलो कहा मैं सबको ले जाकर मैं खुद असल खुदा को मानने वाला हूँ, और जाकर सबको मैं मेरे हाथ पे वो लूंगा कलमा पढ़ूंगा, तो जाते तो उन्हें बोलता बादशाह तुम यहाँ रुक जाओ ताकि अंदर करीब जाएंगे तो लोग समझेंगे शमून यहाँ आ रहा है और शमून की फौज जारी करेगी, क्योंकि उनको नहीं पता है कि 300 साल अल्लाह ने हमको सुला के रखा, अंदर जाके वो बोलते कि अल्लाह ने हमको 300 साल सुलाया, तो वो लोग अंदर की बोलते क्या 300 साल सुलाया हमको खुदा ने और 300 साल के बाद उठाया, चलो फिर उस खुदा के राह में सो देंगे, और सो गए तो कयामत तक सोए वाले, कयामत के दिन उठी है फिर फैसला जन्नत में जाएंगे, और उनके कुत्ते को तक सर्टिफिकेट मिल गया जहन्नुम से बच के जन्नत में जाने का, और बेगैरत हो तुम अपने हाथ से जन्नत का सर्टिफिकेट फाड़ के जहन्नुम में जा रहे, तुम जहन्नुम का सर्टिफिकेट तैयार करो तुम इब्लीस के पास जाके और इब्लीस के औलादों के पास जाके, बेगैरत हो शर्म करो, नबी के चाहने वाले आज भी नबी पे कुर्बान, तुम अगर नबी की राह है सबीलिल्लाह की जो राह है तुम्हारा जो बताए वाली है वो राह पे चलो, कुरान हदीस ये चीजों की रस्सी को मजबूती से थामो तो तुम फिर दुनिया भी बनी आखिरत भी बनी, तुम्हारे सर्टिफिकेट आखिरत और दुनिया के तुम्हारे हाथ में दे देंगे कि पास हो गए, और नहीं तो फेल हो गए, तुम जहन्नुम के अरदार बन गए, लिखा के लिए जा रहे तुम जहन्नुम के अंदर, जगह रजिस्टर या करार ले रहे तुम अपने नाम के जहन्नुम के अंदर, बेगैर को शर्म करो, अल्लाह का इन्हें सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे, क्या बोलू मैं क्या अल्फाज बोलू क्या बयान करूँ, अल्लाह के वलियों को बुजुर्गान दीन को कभी बुरा नहीं बोलना, एक बात याद रखना, क्योंकि उनको बुरा बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम बुजुर्गान दीन को बुरा बोलो तुम उनके ऊपर कचरे डाल दो वो तो नबी का खून है ना उनके आंग में, आले रसूल औलाद अली रहते बोल के उनको अल्लाह वैसे मकाम अता करता और बुलंद, और इबादत कोई नहीं कर सकता उनकी उसकी, आम आदमी अगर इबादत करने बैठगा तो मन की दिमाग का फ्यूज जो रहता है ना शॉर्ट हो जाता सर्किट पूरा उड़ जाता पागल हो जाता, सैयद घराने के खून में से ताकत दिया अल्लाह ने कि कितनी भी इबादत करे तो बर्दाश्त कर लेते वो लोग, नस्ल चलती बोलते ना बुलेट लाइन तो वैसी बात रहती वो, और दूसरी बात अगर तुम बुरा बोलेंगे तो याद रखना बुजुर्गान दीन को जरा भी बुरा बोलेंगे तो उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, उनको कचरे डालो उनको तुम गालियां दो क्या भी बोलो उन्होंने बोलते जा अल्लाह तुझे माफ़ कर,
मगर अल्लाह नहीं छोड़ता, इतना खतरनाक जलाल में आ जाता अल्लाह अगर अल्लाह के वलियों को बुरा बोले और अल्लाह के नेक बंदों को, तो अल्लाह खुद फरमाता हदीस कुद्दूसी के अंदर, अगर मेरे वलियों को मेरे बुजुर्गान दीन को अगर तुम बुरा बोलते तो अल्लाह क्या बोलता मालूम, चलो अल्लाह से जंग करने के लिए तैयार हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे खुले जंग का ऐलान करता, अल्लाह तुमसे खुले जंग का ऐलान करता। कहां लड़ सकोगे, कौन लड़ सकोगे, सातों जमीन और आसमान, ये एक गैलेक्सी इतनी बड़ी रहती, गैलेक्सी के अंदर दुनिया ऐसा रई के दाने के बराबर भी नहीं है, और रई के दाने को भी हजार गुना काटने के बाद कितना सा बचता, उतनी सी है दुनिया। तो वैसे कई गैलेक्सी हैं जिस गिनती साइंस ने नहीं कर सका आज तक, ना किसी ने कर सका। तो इतनी बड़ी कुदरत का मालिक है रब्बुल आलमीन, सातों जमीन और सातों आसमान, कहां तक क्या क्या गैलेक्सी हैं तुम सोच भी नहीं सकते, तुम्हारी सोच जहां से खत्म हो जाती वहां से खुदा की कुदरत स्टार्ट होती है, हर चीज पे अल्लाह आदी रहे। इसलिए बेहतर है कि इबादत की रस्सी को मजबूती से थामो, कुल नफ्सुल ज़ाइफतुल मौत, हर जानदार शय को मौत का मजा चखना है। ये सब जो बातें बोलता ना मैं, तो ये कोई कहानियां और किस्से नहीं पढ़ाता, मैं जो प्रैक्टिकल में देखता और जो प्रैक्टिकल में दुनिया को दिखाता बस वही समझाने की कोशिश करता मैं। और कोई जादूगरों के पास जाना नहीं, जाना नहीं, जाना नहीं, जादूगर तुम्हारे जिंदगियां बर्बाद कर देते, जिंदगियां क्यों बर्बाद कर देते, एक तो उनको कुछ आता नहीं उलट पिलट, और एक तो तुम्हारे पैसे ले लेके खा खा के इकोनॉमिक कंडीशन से भी कमजोर कर देते, और दूसरा तुम्हारे पूरी भीख लगा के तभी बर्बादी ना नौसती में ढकल देते। रहमत अल्लाह वालों के पास ही बरस सकती है, रहमत जो है तो जादूगर और शैतान वालों के पास कहां से बरसती है, शैतान की इबादत करने वाले शैतान के साथियों के पास। ये सब बातें याद रखो, तुमको रहमत और अजमत और फैज सिर्फ अल्लाह वालों के दर से और कुरान पढ़ने से ही मिल सकता, बाकी कहीं। तो अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा सबको अमल करने की तौफीक दे। चलो खैर, ये बहुत सारी बातें सुन के तकलीफ होती, बोल के बयान करता हूँ, बाकी जो ना मांगे सीख वो दर दर मांगे भी। चलो।